हाय फ्रेंड्स, सलाम अलैकुम एवरीवन। आप सब कैसे हैं मेरे फ्रेंड्स? तो अभी जस्ट मैं फजर की नमाज़ ख़त्म करके जस्ट किचन में आई हूँ। सहरी को उठी थी मैं 3 बजे, तो उसके बाद मैं सहरी का खाना बना के मैंने खा लिया। सहरी तो हो चुकी है, फिर बाद में बहुत मैसी हो जाता है। तो अभी देखिए, सहरी के बाद इतने सारे बर्तन हो चुके हैं, पूरा साफ करके ली हूँ मैं। फिर अभी इफ्तारी के तो आप पूछो मत कि कितने बर्तन हो जाएंगे, इसके डबल हो जाएंगे इफ्तारी के, बहुत सारे बर्तन हो जाएंगे। तो हाँ, अभी 5:30 हो गए हैं। जस्ट अभी नमाज़ फिनिश करके आई हूँ मैं मॉर्निंग की, तो अभी तो मुझे नींद नहीं आएगी। वैसे ही मैं लेट के क्या रहा हूँ, इसलिए मैं फटाफट काम करके ले रही हूँ। अभी मैं पूजा भी करके ली हूँ, जस्ट ये सब सहरी के बाद मेरा काम है मॉर्निंग का। अच्छे से पूरा साफ करके ली हूँ, मशीन में कपड़े भी लगाए हुए हैं, कपड़े भी धुल रहे हैं मेरे। तो जब तक कपड़े वगैरह धुलते हैं, मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लूँ। तो आप लोग भी लॉकडाउन में अपने मम्मी की बहनों की हेल्प कीजिए काम में, जो भी फ्री है, क्योंकि हमारे मम्मी होते हैं, माँ होती है, वो इतना काम करते हैं कि कभी भी मुंह खोल के बोलेंगे नहीं बेटा हम थक गए बोल के। हमारे मम्मी भी बहुत काम करते हैं, बट मुंह से उफ भी नहीं निकलता। बट हम लोग समझना है उनकी फीलिंग्स, उनका भी दिल है, उनके भी अरमान है। तो प्लीज़ आप, अभी लॉकडाउन भी है तो ये बहुत अच्छा मौका मिला है आप लोग को कि अपने मम्मी का, अपने वाइफ का, अपने बहनों के हेल्प करने का लिया। तो ये मौका फिर दोबारा नहीं आएगा, तो प्लीज़ अच्छे से अपनी फैमिली को हेल्प कीजिए। तो बहुत गर्मी है आज, कल अच्छी हवा थी, तो मैं फटाफट यहाँ पे बर्तन पूरे जमा के लेती हूँ। ये सारे इफ्तारी के लिए है, फटाफट ये सब कप है के। चलिए इतना हो गया है, बाकी के भी लगा लेती हूँ मैं फटाफट, गर्मी तो बहुत है। तो ये बर्तन तो मेरे सूख चुके हैं, पोछने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं कितने 3 बजे उठी थी, तो 3:30 बजे मेरी सहरी ख़त्म हो गई थी। तो मैं सब साफ करने के बाद मेरे बर्तन भी सूख गए अच्छे से। अगर नहीं सूखे तो आप अच्छा सा कपड़ा लेके पोछ पोछ के अपने स्टाइल में रखिए, नहीं तो आपका स्टाइल जंग हो जाएगा, ब्लैक 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 हो जाएगा। अगर नहीं पोछेंगे तो आप डायरेक्ट डालेंगे तो बर्तन जल्दी ख़राब हो जाएगा आपका स्टाइल। तो ये अच्छा है कि आप सूखे कपड़े से पोछ पोछ के लीजिए। तो चलिए फटाफट मैं काम करके लेती हूँ। तो अभी तो बर्तन हो गए हैं, कपड़े तो मशीन में लगे हैं, झाड़ू पोछा भी हो गया है। तो चलिए अभी मैं दिखाती हूँ बाहर, पता नहीं अभी बहुत अंधेरा है, 5:30 बजे है, फिर भी देखेंगे हम। देखिए आज का क्लाइमेट थोड़ा ठंडा है, बट बहुत गर्मी है, बहुत बहुत गर्मी है। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी टेरेस। दिखाऊंगी मैं यहाँ से कितना अच्छा लगता है पंजिम, बहुत अच्छा लगता है। और ये वॉकिंग भी होती है मॉर्निंग में मेरी थोड़ी बहुत। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा वॉकिंग भी हो जाएगी मेरी।
कल तो आपको मैं नीचे से दिखाई थी, बट यहाँ से बहुत अच्छा लगता है नज़ारा। आप देखिए गोवा का। थक गई मैं थोड़ा, मुझे नींद नहीं आती, यही प्रॉब्लम है मेरी, एक बार उठने के बाद नींद नहीं आती है। तो अब भी मैं आपको दिखाऊंगी, ये परवोरी में है और यहाँ से दिखता है रायबंदर, पंजिम, कलंगुड का बीच, और नीचे बोलते हैं हम लोग टोड्डा। तो देखिए आप लोग, ज़ूम करके दिखाते हैं, तो ये देखिए फ्रेंड्स अभी कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है गोवा का हमारा। वो पूरे समंदर दिख रहे हैं यहाँ पे। तो ये देखिए वो एग्जैक्टली आप देख रहे हैं, ये ब्रिज, ये बीच है बहुत बड़ा, रायबंदर बोलते हैं उसको, जो हम पंजी से निकलते हैं। ये देखिए पंजी की फूल है, फूल से जब हम नीचे जाएंगे तो रायबंदर आएगा, और ये समंदर है जो बीच बीच का है, ये देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स ये मॉर्निंग का है, तो अभी थोड़ा अंधेरा है क्योंकि जस्ट अभी 5:30 ही हो रहा है और बहुत गर्मी है। अभी मैं थक गई हूँ, वो भी थोड़ा आराम करके लेती हूँ और थोड़ा एक्सरसाइज कर लेंगे हम, यहीं पे वॉकिंग कर लेंगे आपके साथ बात करते करते। नींद तो आने वाली नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये तापर हो रही, आपको ज़रूर पसंद आया होगा, बहुत अच्छा नज़ारा है मॉर्निंग मॉर्निंग में, देखते हैं। तो चलिए अभी हम चलते हैं, अभी यहाँ पे भी देखिए कुछ फंक्शन वगैरह होता है तो यहीं पे करते हैं सब लोग, बर्थडे की पार्टी वगैरह जो भी है यहीं पे करते हैं टेरेस पे, वो बहुत बड़ी दावत है या बर्थडे पार्टी वगैरह। अभी यहाँ से भी दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए तो देखिए फ्रेंड्स नज़ारा कितना अच्छा है, ठंडा ठंडा मॉर्निंग का। फ़िलहाल तो मेरा घर अभी तक नहीं बना है, इंशाल्लाह आप लोग दुआ कीजिए और सपोर्ट कीजिए तो मैं भी घर ले लूँ। फ़िलहाल तो मैं मेरे भाई के घर में हूँ गोवा में, एक्चुअली मैं रहती हूँ बेंगलुरु में, बट मैं यहाँ पे 22 मार्च को आई थी तो 23 को लॉकडाउन हो गया तो मैं फंस गई हूँ यहाँ पे। मेरा वहाँ पे बिजनेस है, मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, और अभी फ़िलहाल तो मेरे पास घर नहीं है रहने के लिए, अभी मैं भाई के पास ही रहती हूँ, बट अपना घर तो घर ही होता है। इंशाल्लाह मैं कोशिश तो कर रही हूँ घर लेने की, घर और एक कार मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है। आप लोग प्लीज़ दुआ कीजिए सब लोग मिलके कि मैं जो चाहिए हूँ मुझे मिल जाए और जल्द से जल्द मेरा भी घर हो जाए गोवा में, फिर मैं आपको दिखाऊँ इस तरह से वीडियो बना के। तो इंशाल्लाह हो जाएगा, लॉकडाउन पहला ख़त्म हो जाए, सब पहले तो अल्लाह से सब लोग दुआ कीजिए कि लॉकडाउन जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। और ये बहुत अच्छा पाक महीना है रमज़ान का, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि रोज़े नहीं मिलते हैं, नमाज नहीं मिलती है, बट ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा अल्लाह ने हमें वक्त दिया है 5 टाइम नमाज़ पढ़ने की, अपने फैमिली साथ टाइम स्पेंड करने की। तो ये वक्त को ज़ाहिर होने मत दीजिए प्लीज़, अपने फैमिली के साथ रहिए, अच्छे से नमाज़ पढ़िए, रोज़े रहिए, और बहुत बहुत अल्लाह से दुआ कीजिए कि लॉकडाउन भी है, बहुत परेशानी तो हो रही है, कहीं भी नहीं जा सकते हम लोग, बट कोरोना जल्द से जल्द चला जाए, अल्लाह मैं तो चाहती हूँ कि जल्द से जल्द चला जाए और फिर मैं बेंगलुरु चले जाऊँ, क्योंकि घर मेरा घर तो घर होगा अपना घर, अभी तो फ़िलहाल नहीं है कुछ भी मेरे पास, बट आप लोग का साथ रहेगा, आप लोग की दुआ रहेगी और आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो इंशाल्लाह मेरा घर भी हो जाएगा। तो प्लीज़
यूट्यूब इंडिया, सपोर्ट कीजिए मुझे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि मैं न्यू हूँ इस चैनल पे, तो आई नीड सपोर्ट योर्स गाइस। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ फिर इंशाल्लाह फिर कभी, क्योंकि बाद में मैं देखूँगी और कुछ वीडियो बना के, और एक बार आप देख लीजिए। आपसे बात करते करते मॉर्निंग के 6 बज चुके और मुझे पता भी नहीं चला, तो एक बार देख लीजिए गोवा, क्योंकि अभी लॉकडाउन है तो आप लोग नहीं आ सकते, इसलिए देख के आप इंजॉय कीजिए गोवा। ऐसे ही गोवा तो सबका फेवरेट है ऑब्वियसली, बट मुझे बेंगलुरु बहुत पसंद है क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट एकदम ठंडा रहता है हमेशा। बेंगलुरु सब लोग को पसंद है, बट गोवा तो गोवा है और गोवा तो मेरा होम टाउन है। इंशाल्लाह मैं भी घर लूँगी यहाँ पे, फिर मैं आपको दिखाऊँगी, बट अभी तो नहीं होगा, लॉकडाउन कोरोना के पूरा बिजनेस का वाट लग गया है, तो अभी कम से कम पता नहीं कोरोना कब चला जाएगा। अभी जो भी पैसे है उसी से हमको खाना है, उसी में सब कुछ करना है, तो संभल के करना पड़ेगा, फिर देखेंगे इंशाल्लाह। 5 साल तो लगेंगे अब सेट होने के लिए, क्योंकि अभी तो पूरा ख़त्म हो चुका है। तो चलिए गाइस एक बार आप देख लीजिए हमारा गोवा, एक पूरा अपार्टमेंट है, ऊपर से देख लीजिए। कल तो आपको बराबर से नहीं मिला, अभी मैं टेरेस पे आई हूँ। ये निर्वाण नेस्ट है, फेमस अपार्टमेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर गाइस, प्लीज़ दुआ में याद रखिए और प्लीज़ घर पे रहिए, सेफ रहिए, अच्छा अच्छा खाना बनाइए और खाइए। तो हम मिलते हैं फिर कभी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर गाइस, लव यू, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी और शेयर कीजिए अपने शिरिन के साथ। फिर मैं मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, बाय। देखिए यहाँ पे भी देख लीजिए, बहुत प्यारी सोसाइटी हो। चलिए अल्लाह हाफिज़।